हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं अपने घर से रांची की ओर और बस अपने गांव मोहल्ले से निकल रहे हैं और रांची जा रहे हैं। तो रांची जाने का पर्पस ये है कि बहुत से लोगों का जो भी स्टूडेंट जो 12 के एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका जो है बहुत से लोगों का इनकम्प्लीट रिजल्ट हो गया है। तो हमारे यहाँ भी एक भतीजा है तो उसका भी रिजल्ट जो है इनकम्प्लीट हो गया है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है मतलब कम्प्लीट हुआ नहीं, तो उसकी वजह से जो है रिजल्ट अब पूरा आ नहीं रहा है और इसमें INC मतलब लिख रहा है। तो जिन लोगों का इनकम्प्लीट रिजल्ट हुआ है तो वो कमेंट जरूर करें और हम आपको हम बताएं कि कैसे कैसे आप लोग को मतलब कि वो जो इनकम्प्लीट जो रिजल्ट है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जिस स्कूल या फिर जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर आप कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के बाद में जो भी नंबर आपको नहीं मिला है तो अपना मास्टर से पहले बोलें। अब बोलने के बाद में फिर वो आपको एप्लीकेशन लिखने बोलेगा और जो भी क्या बोलते हैं रिजल्ट का फोटो कॉपी होना चाहिए, आधार का फोटो कॉपी होना चाहिए और जो स्कूल से एक मार्कशीट मिलता है मतलब कि उसमें नंबर रहता है तो वो भी आपको चाहिए और मतलब उसका कॉपी चाहिए और साथ में एक एप्लीकेशन और ये सब कुछ लेके आपको JSE यानी जहाँ से रिजल्ट निकलता है आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको जितने सारे जो फॉर्म है वहाँ पे आपको जमा करना है। जमा करने के बाद ही आपका जो भी प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट का वो सॉल्व होगा। तो अभी हम निकलते हैं रांची और रांची निकलने के बाद हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोग हम बताएँ कि क्या क्या और वहाँ पर प्रोसेस है। तो अभी फ़िलहाल अभी हम निकल चुके हैं और आप लोग हम बीच बीच में अपडेट हम देते रहें कि कहाँ पहुँचे और कहाँ नहीं पहुँचे। तो फटाफट हम निकलते हैं अपने गांव सिटी से क्योंकि रांची यहाँ से काफ़ी दूर भी है। तो फिलहाल अभी हम फ़ोन से ही वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो में मतलब थोड़ा अच्छा ना हो क्योंकि बैक चल रहे तो इन ज़्यादा रहा चूँकि हाथ से ही बना रहे हैं, स्टैंड नहीं मेरे पास में। निकल चुके हैं और वाले रोड में, यानी यहाँ से डायरेक्ट हजारीबाग, ये रोड काफ़ी ठीक ठाक है और अभी बारिश के मौसम है इसीलिए थोड़ा सा गाड़ी हम थोड़ा जल्दी डाल रहे हैं क्योंकि अभी कहीं बीच में बारिश मिल गई तो हो सकता है मुश्किल, क्योंकि अभी हमको 150 किलोमीटर अभी फिलहाल फिर भी हमको ट्रेवल करना है। तो थोड़ा देखिए तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि अभी जो रोड में बारिश अभी थोड़ा पहले हुआ था तो बारिश अभी भी है और जब हो जाए बारिश कोई असर पता नहीं। इधर जो है काफ़ी बेहतर वातावरण भी है इधर है और यहाँ देख सकते हैं कि बैक के लिए और पूरा हरियाली छाया हुआ है। हम फिलहाल गिद्धौर पहुँच चुके हैं और ये गिद्धौर का स्कूल है और ये गिद्धौर लैंडमार्क है, देख सकते हैं अभी गिद्धौर से पार कर रहे हैं अभी हम और गिद्धौर से पार है क्योंकि अभी भी जो मौसम जो है काफ़ी तेज़ बना रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही बारिश हो जाए, बारिश हो गया फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए कि जो इनकम्प्लीट जो रिजल्ट होता है तो जब एप्लीकेशन निकाला तो वहाँ पे जो हेड मास्टर और स्कूल का मोहर लगता है तो वहाँ पे डेट भी मार दिए, मतलब कि जो हेड सर होते हैं वो वहाँ पे डेट मार देते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि आप एप्लीकेशन लिखवा लिया और काफ़ी दिन बाद, तो ऐसा नहीं, लेकिन आपको लिखवाना है तुरंत निकलना है। इसलिए कि लेट करने से फिर आपको नुकसान होगा, उससे क्या होगा शायद आपको जो भी फॉर्म है वहाँ पे सबमिट होगा नहीं और उसकी वजह से शायद आपका रिजल्ट आ भी नहीं पाए, उसकी वजह से एक साल आपको फिर से बेकार न जाए। इसीलिए जो लोग इनकम्प्लीट का रिजल्ट है, जिन लोग इनकम्प्लीट रिजल्ट है उन लोगों का इस वीडियो में आज हम इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे और आप लोग पूरा अच्छे से देख लेंगे क्या क्या है। बारिश आ चुका है और हम कहीं रुकने का कोशिश करना पड़ेगा क्योंकि यानी गाड़ी बहुत तेज़ है और बारिश भी बहुत तेज़ आ चुका है, पहुँच चुके हैं
नाम है, बस अभी यहाँ से फटाफट हमको निकलना है बाईपास, और बाईपास से नेशनल हाईवे हो तो फटाफट निकलते हैं। बस किसी तरह से कोई दिक्कत या पुलिस वाले जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले जो है जो वीडियो शूट करते चलते हैं तो उन लोगों को बहुत ड्रामा भी होता है, क्यों कर रहा है नहीं कर रहा है उन लोग सवाल बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम बस इंद्रपुरी से निकल रहे हैं और इधर थोड़ा देर बाद में जो ऑटो वाले जो होते हैं वो जो ढंग से चलाते रहेंगे और उल्टा सीधे चलाते हैं तो उस वजह से थोड़ा जाम लगता है, और ऑटो वाले तो भैया उसका तो करना ही वो तो उनका राज है। ये हजारीबाग का सबसे बड़ा यानी कि बस स्टैंड यही है, यहाँ पे देखिए आप सभी तरह के यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है सबसे जगह जाने के लिए, और इसका भी गाड़ी मिलता है यहाँ। और फिर से जो है बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं और आगे। और ये घर वक्त से निकलते निकलते ही काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और फिलहाल बाईपास से निकल रहे हैं, ये है बाईपास रांची के लिए, और यहाँ से सीधा एकदम हमें नेशनल हाईवे आ गई। यहाँ पर देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकल भी रहे हैं, तो देख सकते हैं आप फटाफट जो है और ये हम राइडिंग स्विच करते हैं क्योंकि अब यहाँ से तुरंत हमको फटाफट निकलना ज़रूरी है। बारिश का अभी टाइम है, बारिश के टाइम में जितनी जल्दी हो सके निकल जाए वही ठीक है। यहाँ से एक गाड़ी है, यहाँ से सबसे बड़ा बस अड्डा ही है, और यहीं से कलकत्ता तो बस बहुत सारे की बस है, बस चलाओ हजारीबाग। तो चलिए थोड़ा आगे में हम राडार स्विच करते हैं, यहाँ से सब लोग जो है मेन हाईवे पर निकल रहे हैं इसलिए यहाँ पर जाम लगा हुआ है, कोई सिग्नल वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ से सेफ्टी से सब लोग निकलते हैं। आराम से देख के निकलते हैं और आगे देखें राइडर निकलते हैं, अगर कहीं रोक लीजिए नेशनल हाईवे रोड क्योंकि इसके ही रोड जो है सब जगह मिलाता भी है, यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और अपना राइडर स्विच करते हैं, रोक दे गाड़ी। तो चलिए फटाफट हम गाड़ी का हालत काफ़ी ख़राब हो चुका है क्योंकि बारिश था बीच में, तो गाड़ी काफ़ी से काफ़ी अच्छा ज़्यादा, लेकिन क्या है कि जो कल इसका आँख में थोड़ा मॉडिफाई करवाए थे यानी जो DRL है उसको ऊपर में जो है ऊपर से लाइट आती थी नज़र आ रहा था, उसको अच्छे से करवाएंगे। अभी क्योंकि गाड़ी का जो हालत है काफ़ी ख़राब हो चुका है, अभी चला रहा था और इसके बाद फिर हम चलाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम हेलमेट पहनते हैं दूसरा वाला, क्योंकि अभी हम दूसरा पहने में हेलमेट पहन रहा और इसको अभी फिलहाल फ़ोन इसको देते हैं और हैंड बैग भी डाले, क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे इस जगह में थोड़ा सेफ्टी से चलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं खुद से राइडिंग स्विच करते हैं, काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। चलिए अभी हम फटाफट निकलते हैं, उसके बाद फिर आप लोग हम हमारे गाड़ी का है
स्टार्ट हो चुका है, हम ड्राइविंग पर चल रही है। कभी भी गाड़ी चलाते एकदम स्टेबल चलाए ताकि जो है ना ऐसे में मतलब है अभी तक, और डिवाइडर जो है अभी भी बन रहा है। ये चलो अभी बाकी जो है रस्ते में अभी थोड़ी सी आप मिलते हैं यहाँ पे। तो हम फाइनली चैक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। तो हम इसके अंदर में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर जो भी प्रोसेस है आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। तो अंदर चलते हैं और जो चतरा काउंटर है कौन सा पहले वो पूछते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं झारखंड काउंसिल रांची से। और यहाँ पर क्योंकि इस तरफ पेपर जो फिल हुआ है, देखिए यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर जिस स्टेट से आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसी स्टेट का एक ऑफिस होता है और काउंटर रहता है। तो उस काउंटर पे आप लोग को जाना है और वहाँ पे जाके बोलना है कि जिससे अभी हमारा जो बच्चा था उसका इंटरमीडिएट का तो जो एग्ज़ाम था इनकम्प्लीट था इंटरमीडिएट। तो वही चीज़ आप लोग को बोलना है कि जैसे हम जाके बोले थे कि इंटरमीडिएट चतरा काउंटर, क्योंकि वो चतरा का जो भी एग्ज़ाम है पूरा हैंडल करता है। तो उस तरह आप लोग भी जो भी मतलब कि जिस भी
डिस्ट्रिक्ट से है, दो चीज़ें मतलब कि वहाँ पर जाकर बोलना है और वहाँ पर जो पेपर है वहाँ पर सबमिट करना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी पेपर आप ले गए हैं सबका जेरोक्स होना चाहिए, और जो जो क्या बोलते हैं जो एप्लीकेशन रहता है उसमें आपको वो भी मतलब जेरोक्स होना चाहिए, और ताकि आपको उसी में मुहर मार के और यहाँ पे साइन करके मिलेगा, जो कि आपके पास में रिसीविंग बोलिए या फिर प्रूफ बोलिए वही रहेगा आपके पास में। चलिए अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है और अभी फिलहाल चलते हैं, हम नाश्ता करते हैं।